हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहार जिंदगी एडुकेयर। इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसमें डिस्कस करेंगे हम एंगल्स और क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल क्या होता है। सपोज एक रे है ओपी, इस फिगर में आप देख सकते हैं, और अगर इस रे को हम रोटेट करते हैं अबाउट पॉइंट ओ, और इसकी फाइनल पोजिशन होती है क्यू, ओ क्यू। ओ पी रे को अगर हम रोटेट करेंगे और फाइनल पोजीशन ओ क्यू होगी, देन हम बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू हैज बीन जेनरेटेड। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू जेनरेट हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर जेनरेटिंग लाइन की बात करें तो जेनरेटिंग लाइन कौन सा होता है हमारा, रिवॉल्विंग रे को ही हम बोलते हैं जेनरेटिंग लाइन। ठीक है, तो रिवॉल्विंग रे हमारा जेनरेटिंग लाइन होता है। और वर्टेक्स की बात करें तो रिवॉल्विंग रे जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, द एंड पॉइंट ओ। अगर इस फिगर में देखें तो देखिए, ये आपका ओ जो है, ये आपका हो गया वर्टेक्स। द पॉइंट ओ अबाउट विच द रे रोटेट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होती है, देखें द इनिशियल साइड जो है, अगर इस फिगर को देखेंगे तो ओपी से रोटेट होकर ओक्यू जा रहा है जेनरेटिंग रे, तो ओपी जो हमारा हो गया वो हो गया आपका इनिशियल साइड, और हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ पोजीशन ओपी जो है जेनरेटिंग रे की इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनिशियल साइड। सिमिलरली द फाइनल पोजीशन जो ओपी हो जाएगा ये हमारा हो जाता है टर्मिनल साइड ओ क्यू। ठीक है, ओ पी आपका इनिशियल साइड, ओ क्यू टर्मिनल साइड, और ओ वर्टेक्स हो गया। ठीक, चलिए अब मेजरमेंट ऑफ एंगल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल होती है जिस अमाउंट से आपको जेनरेटिंग लाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड, ठीक है, और टर्मिनल साइड। तो द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द इनिशियल साइड। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सेंस ऑफ एंगल, तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होते हैं, देखिए सेंस ऑफ एंगल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जेनरेटिंग लाइन जो है जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगी फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, तो उसी सेंस को देख के अगर हमारा सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, मींस अगर हम देखिए ओपी से ओक्यू जाते हैं। ठीक है, ये फिगर पहला फिगर देखिए, ओपी से ओक्यू जाते हैं और हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली अगर ये हमारा देखिए ओ पी है और ये हमारा क्यू है, अगर ओ पी हमारा इनिशियल साइड है और ओ क्यू टर्मिनल साइड है, और जेनरेटिंग ले हम रे हमारा मूव कर रहा है इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे एंगल हमारा जो है निगेटिव एंगल होगा। ठीक है, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल हमने देख लिया। अब राइट एंगल की बात करते हैं। देखिए, इफ रिवॉल्विंग रे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, सपोज ओ एक्स आपका इनिशियल पोजिशन है, डिस्क्राइब वन क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पूरे सर्कल का वन फोर्थ पार्ट, तो ओ एक्स से अगर ओ वाई मूव करेंगे तो ये पूरे वन क्वार्टर ऑफ द सर्कल को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि राइट एंगल इज फॉर्म। ठीक है, इसकी मेजर जो होगी राइट एंगल, और 90 डिग्री भी बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के डिटेल में। चलिए, ये राइट एंगल हो गया। अब हम क्वाड्रेंट्स पे आते हैं। देखिए, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं। ठीक है, अगर दिस लाइंस अगर आप देखिएगा तो चारों को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस दोनों लाइन फोर क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, पूरे प्लेन को फोर क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब एक्स ओ वाई,
इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं एक्स ओ वाई, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिमिलरली वाई ओ एक्स डैश, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है एक्स डैश ओ वाई डैश, ये वाली रीजन। और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगी आपको एक्स ओ वाई डैश, यही आपका रीजन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो हमारा है वाई ओ वाई डैश, ये वाली लाइन जो है वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, और ये दोनों एक्सिस जो एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये क्या होता है, अगर आपका देखिए इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, और वर्टेक्स जो है हमारा एंगल का ओरिजिन से कोइंसाइड करता है, ओ जो है ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ओ ओरिजिन है जहां पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, तो अगर वर्टेक्स ओ है और ओ एक्स हमारा इनिशियल साइड है, ठीक है, एंगल का, तो वैसे एंगल फॉर्म जो होते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एंगल इज सी टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ द वर्टेक्स कोइंसाइड विद ओरिजिन ओ एंड इनिशियल साइड कोइंसाइड विद ओ एक्स, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, अब ये क्या होता है, देखिए कोई भी एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, ठीक है, इज सेड टू बी इन अ पार्टिकुलर क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका OP जो है हमारा टर्मिनल साइड है, OM इनिशियल साइड है, OP टर्मिनल साइड है, अगर P हमारा XOY रीजन में फॉल कर रहा है तो हम बोलेंगे ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, सिमिलरली अगर पी हमारा और ओ पी जो है हमारा टर्मिनल साइड है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज वाई ओ एक्स डैश रीजन में लाई करेगा तो हम बोलेंगे एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वाड्रेंट एंगल, देखिए क्वाड्रेंट एंगल किसे बोलते हैं, एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन जब टर्मिनल साइड भी आपकी जो है किसी एक्सिस से कोइंसाइड करे, आइदर एक्स एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ, और ये कब होगा, अगर हम आप देखिएगा इस फिगर को तो टर्मिनल साइड मींस हमारा OP है, OP अगर y एक्सिस से कोइंसाइड करेगा तो 90 डिग्री हमें मिलेगा और राइट एंगल, अगर हमारा OP OX डैश से कोइंसाइड करे तो हमारी एंगल की मेजरमेंट हो जाती है 2 राइट एंगल्स के बराबर और 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिर्फ एक्सिस के साथ ही टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड कोइंसाइड करने चाहिए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। चलिए ट्रायंगल ऑपरेशन देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा पी ओ पी जो है टर्मिनल साइड है, अगर पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी एम ऑन द एक्स एक्सिस, देन ये ट्रायंगल जो फॉर्म होता है पी ओ एम और ओ एम पी, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ द एंगल एक्स ओ पी, ये हमारा मेजरमेंट है एक्स ओ पी, पॉजिटिव डायरेक्शन से ले रहे हैं, ठीक है, एक्स ओ पी एंगल का जो है ये रेफरेंस ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है हमारा तो ये भी हमारा हो जाएगा पी और ओ एम पी, ओ एम पी ये भी आपका ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए दो एंगल्स हैं जिसके इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों कोइंसाइड कर जाए तो उस एंगल को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अगर हम देखें तो ओ एक्स हमारा इनिशियल साइड है एंड ओ पी इस फिगर में टर्मिनल साइड है तो थीटा एंगल है, अगर हमें इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आइदर आप 360 डिग्री उसमें ऐड कर दे तो थीटा प्लस 360 डिग्री मींस क्या हुआ, एक राउंड आपको जैसे यहां है
उसके बाद पूरा ये रोटेट करके आइएगा ये, ठीक है। तो इससे आपका हो गया ये को टर्मिनल एंगल, और 360 डिग्री हम माइनस करेंगे तो ये निगेटिव साइड में आप ये एंगल को मेजर कर लीजिए, तो ये निगेटिव होगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहां से आपको इनिशियल साइड से मेजर करना है, यहां से आइए और ये, तो ये एंगल भी हमारा हो गया को टर्मिनल एंगल, क्योंकि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम ही है। तो आइदर 3 + 360 डिग्री और थीटा -360 डिग्री, ठीक है। और इसका मल्टीपल भी हो सकता है, तो थीटा +360 n, n हमारा अगर एक इंटीजर है, तो ये सारे जो होंगे को टर्मिनल एंगल्स होंगे। सिमिलरली थीटा -360 n, ठीक है, ये हमारा को टर्मिनल एंगल्स हो गया। अगर मान लीजिए आपके 60 डिग्री दिए हुए हैं, तो को टर्मिनल कितना हो जाएगा, 360 + 60 मीन्स 420, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं मीन्स 60 डिग्री -360 डिग्री, तो -300 डिग्री भी। ये सारे जो हैं को टर्मिनल एंगल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।